भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शामली शुगर मिल पर गन्ना भुगतान को लेकर हंगामा और प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मिल GMRB खोकर के ऑफिस का घेराव करते हुए कहा कि शामली मिल ने किसानों के बॉन्ड बंद कर दिए हैं और न ही 14 दिन का भुगतान किया है और न ही ब्याज मिल पाया है। शामली शुगर मिल में 90 से 100 करोड़ का डाइवर्जन किया है और चीनी बेचकर सारा पैसा अपने मद में प्रयोग कर लिया है। किसानों ने मांग की कि अगर उनकी मांग पूरी ना की गई तो वह जल्द ही मिल प्रशासन के खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। शुगर मिल में सैकड़ों किसान है जो गन्ना विभाग में बैठे कुछ ये साथ में शामली मिल में जिस किसान का जो शामली का जिला गन्ना अधिकारी कह रहा है कि 90% सर्वे का काम पूरा हो गया गन्ने का, तो 5% भी गन्ने का काम पूरा नहीं हुआ और यहाँ पे जो सट्टा है वो बंद कर दिया। अच्छा, जिसका गन्ना खड़ा 35 बीघे 40 बीघे गन्ना खड़ा उसके बॉन्ड बंद कर दिए। अच्छा। मिल वालों ने, और सबसे बड़ी बात है गन्ना भुगतान की, 14 दिन में जो सरकार दावे करी 14 दिन में गन्ना भुगतान कर देंगे, उसके बाद में 15% ब्याज देंगे। ब्याज तो क्या, ये बकाया गन्ना भुगतान दिलवा दे। शामली शुगर मिल में 90 से 100 करोड़ का डाइवर्जन कर रखा है इन्होंने, चीनी बेच के वो पैसा अपने दूसरे यूज में ले लिया, जो किसानों का पैसा था वो शामली मिल ने अपने मद में यूज कर लिया। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं और DCO साहब है, उन्हें ये सब जानकारी है कि यहाँ का डाइवर्जन हुआ, किसानों का पैसा इन्होंने अपने यूज में लिया, उसके लिए हम यहाँ पाए। अच्छा, ये जो हमारे आपके गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, ये कहते रहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ वादे करते रहते हैं, भुगतान की रिकॉर्ड टूट गया है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डाक के वही 3-5 4 लगे ना 5 की आस। अच्छा। ये तो दावे हैं, सरकारी दावे हैं, सरकार किसी की हो उस सरकार का मंत्री उसी सरकार के पक्ष में बोल रहा, किसानों के प्रति कोई नहीं बोलने वाला है। और बड़ा दुख का विषय है, जिस जिले का गन्ना राज्य मंत्री और उसमें किसानों की हालत है, तो सोचने विषय है इस सरकार के बारे में। तो ये सरकार किसानों के बारे में सोच नहीं पा रही ठीक से, किसानों के बारे में सोच तो किसान धक्के खाते हैं अभी तक। किसानों का गन्ना अब के इतना गन्ने की जो इनका पैदावार अधिक है, अच्छी फसल यहाँ पैदावार ज्यादा है, तो गन्ना कहाँ लिया जा रहा गन्ने के लिए, किसान गन्ना कहाँ ले, कह रहे कि शुगर मिल जब तक गन्ना खड़ा चलेगी, लेकिन कब तक चलेगी? अब रबी की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी गेहूं की, किसान गेहूं को देखेगा अब गर्मी में, अपना गन्ने की सिलाई करेगा, मजदूर नहीं मिल रहा, 400 रुपए में तो कोई मजदूर गांव में मिल नहीं रहा। क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग ये है कि जो यहाँ पे बॉन्ड बंद करे वे बॉन्ड चालू, और जो किसानों का डाइवर्जन कर रखा शामली शुगर मिल 80 से 100 करोड़ का डाइवर्जन है, इसकी जाँच करवा के DCO साहब और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, इस शामली शुगर मिल ऊन थाना भवन इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, डाइवर्जन जो इन्होंने रखा और जो यहाँ पे बॉन्ड बंद कर दिए किसानों के, मैं चल लूँ। अच्छा, आपकी मांगे पूरी ना की गई, फिर अगला कदम क्या होगा? भाई अगला कदम ही होगा, किसान अपनी फसल को छोड़ गए इस मिल में बैठ लगा। अच्छा, इस मिल में बैठ जाएगा और इस मिल में डिस्टिलरी और जो इसके प्लांट है मैं बंद करेंगे, मिल चलता रहेगा, किसान गन्ना गिरेगा, मिल चलेगा, लेकिन जो इसके और प्रोडक्ट है मैं बंद कर दिए जाएंगे। ठीक।